जैसे ये है ना आपका, ये मूंगफली की तरह है, ठीक है। इसका जो है ये LB42 है, इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है। और ये SS6 है आपका। अच्छा, ये गोल होगा, ये गोल होगा। हाँ, जैसे अंडा होता है ना, अंडे की तरह होगा ये, और ये मूंगफली की तरह होगा, ठीक है। इसका वेट ज्यादा होता है और इसका वेट कम होगा। नमस्कार। अक्सर जो रेशम है वो साउथ साइड का बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, तो साउथ का या कोलकाता। आज हम वहाँ पहुँचे हैं पालमपुर डिवीज़न के मस्तपुर गांव में, जहाँ पर हिमाचल में रेशम के कीड़ों का काम होता है, रेशम निकालने का काम होता है, रेशम बनाने का काम होता है। आज हम यहाँ आके इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में ये जानेंगे कि आखिर ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है, चलती कैसे है। इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अनूप जी है, जो यहाँ के केयर टेकर है। तो आइए उनसे बात करते हैं एक बार और जानते हैं यहाँ की पूरी प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया क्या है, डे वन से लेके और डे लास्ट तक। तो आइए चलते हैं। तो अनूप जी यहाँ पर पूरे केयर टेकर है पूरे डिवीजन के, जो पालमपुर में स्थित है इस वक्त। और आज हम इनसे जानेंगे कि पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, आप कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं तो 30 ईयर्स यहाँ पे टोटल, इनको 30 ईयर्स हो गए काम करते हुए। और आप जो सामने पूरा ये फार्म देख रहे हैं, ये जो पूरा फार्म है, ये पूरा का पूरा रेशम का फार्म है। यहाँ से येल्डिंग प्रोसेस शुरू होती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती है। तो आज कुछ सवाल उनसे पूछेंगे और जो वर्कर्स है जो साथ में काम करते हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे पूरी प्रोसेस के बारे में और पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो आइए चलते हैं आगे। बेसिकली जो रुकी ये है कि ये जो पूरा ये फार्म हाउस है, ये कितने उसमें है, कितने एरिया में? 48 कनाल में है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे एक तो ये यहाँ पर हुआ है इचई में, पालमपुर में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है इसकी डिवीजन है, मतलब ये एक ही है यहाँ पर? ये कांगड़ा में वैसे 10 है। अच्छा, कांगड़ा में किस किस जगह होंगी? ये नगरोटा में है। अच्छा, जनविला है, कांगड़ा है। अच्छा, ऊपर डगवाग में भी है। अच्छा, और फिर नगरोटा बगमा, फिर पांचों की लंबा गांव पालमपुर। जो ये पूरा पूरा प्रोसेस होता है, ये साल भर चलता है या कैसे चलता है? ये साल में दो सीजन होती है। दो सीजन चलते हैं। कौन कौन से? और एक बसंत फसल है। कौन कौन से महीने के बीच में चलता है ये? मार्च और अगस्त में, मतलब मार्च से अगस्त के बीच में। एक मार्च में होगा ना? हाँ। मार्च और अप्रैल, मार्च अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। तो ये अच्छा, मैं अगर बात करूँ एक सीजन में, एक सीजन में आपने मार्च अप्रैल बताया, तो एक सीजन में कितना रेशम निकल आता है? अगर आप मिनिमम लेंगे तो 15 क्विंटल के आसपास आ जाता है। अच्छा, जैसे ये आप मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए, मेरा पहली बार है यहाँ पर आना, कि ये पूरी प्रोसेस होती कैसे, मतलब प्लांटेशन से लेके और जब ये कीड़ा बनता है, और जब यहाँ कीड़ा बन गया तो इसके आगे की क्या प्रोसेस, आप थोड़ा सा मुझे समझा। ये जो बीज होता है ये आता है देहरादून से। अच्छा, देहरादून और पालमपुर के बीज होते हैं, क्योंकि इसको हम खुद बनाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपको बताया मैंने कि जो प्यूपा आता है, तो मतलब उसको हम छोटा काटेंगे, हम उसमें जो ब्राउन सा निकलेगा प्यूपा, अच्छा, उसको हम धान के उसमें डाल के रखेंगे, ठीक है। दो तीन दिन के बाद वो खुद मतलब उससे तितली बनेगी, फिर वो 500 से 700 तक लगभग अंडे देंगे। अच्छा, 500 से 700 एक? हाँ, एक, ठीक है, ठीक है। पर ये शुरू जब होता है तो मतलब छोटा सा आता है, जैसे आप सरू जानते होंगे, सरू के बीज की तरह बीज कितना होता है, ठीक है। और जब मार्च महीना होता है तो इसको हम टेम्परेचर देखते हैं। अच्छा, 18 से लेके 24 तक। शुरू में जब पहले दिन रखेंगे तब 18, और आस्ते आस्ते बढ़ाते जाएंगे 24 तक जाने के बाद ये खुलेगा धीरे धीरे। तो फिर वो यहाँ से किसानों के पास जाता है या कैसे जाता है? ये जाएगा आपका, दो मतलब मोल्ट होती है, जैसे दो नींद होती है ना। अच्छा, उसको क्रॉस करने के बाद फिर देंगे हम किसानों को। अच्छा, ठीक है, किसान रखेंगे उसको अपने पास लगभग 20 दिन, 20 से 25 दिन, ठीक है, उसके अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगा, उसके अंदर वो पूरा तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से जब वो रेशम बन जाता है तो यहाँ से फिर वो कहाँ जाता है? वो फिर जैसे आपके व्यापारी आते हैं बाहर से। अच्छा, जैसे आपको बताया मैंने, आसाम से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, बंगाल से आएंगे, वो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, फिर वो अपना रेट बताएंगे, हमें जो पसंद आएगा उसको हम वो उसको देंगे, ठेका दे देंगे, फिर वो ले लेंगे।
ठीक है वो चला जाएगा। तो इसमें अभी भी मतलब यहाँ पर किसी भी मशीन का यूज कर रहे हो आप या मशीन खुद ही करते हैं? पूरा मैन मेड है, मैन हैंडल्ड है ये, मतलब एक आदमी करेंगे पूरा, आदमी करता है। और यहाँ से फिर वो किसानों के पास जाता है, किसान उसको पालते हैं, जो किसान जो किसानों का काम है बेसिकली काम करता है, किसानों का जो काम है उसमें मतलब उनको किस तरीके से करते हैं किसानों को, किस तरीके से सम्मिलित कर रहे हैं ऐसे प्रॉफिट होगा उनको, हम कुछ को किसानों को मकान का टेस्ट देंगे, जैसे 1.5 लाख है अपना मतलब स्कीम है, 1.5 लाख किसान को हम एक कमरे का अच्छा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा, जो आपको दे दिया वो आपका ही है। ठीक है ठीक है, 3 किस्तों में हम उसको देते हैं। एक सीजन में आप कितने किसानों को मतलब अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में लेते हो? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि किसान की अपनी मर्जी है। अच्छा ठीक है, हम उनको गाइड करेंगे, अगर उनकी इच्छा है तो वो ले लेंगे, नहीं अच्छा तो हम जबरदस्ती नहीं। और ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के अपने टाइम से आते हैं जो भी स्कीम जो स्कीम हो। तो किसानों से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो या फिर उसके लिए कोई ठेकेदार है? नहीं नहीं, खुद डायरेक्ट खुद करना पड़ता है। तो ये मतलब जैसे आपने बताया कि अप्रैल से लेके मार्च से लेके अप्रैल और अगस्त से लेके सितंबर और बाकी के जो टाइम होता है साल का, उस दौरान क्या चलता है यहाँ पे? उस टाइम इनकी मेंटेनेशन होती है प्लांट की। अच्छा, इनकी पूरी देखभाल करेंगे, इनको मैल डालेंगे, गोबर खाद हो गया, यूरिया, उड़ाई करेंगे इनको, उसके बाद इनका मतलब सही से तरीके से काम करेंगे। इनकी कटाई होगी अभी 15 के बाद। अच्छा, 15 तारीख 15 दिन के बाद इनकी जो नया पत्ता आएगा ना वो डलता है पहली स्टेज पहले, जब आपका कीड़ा खुलेगा मतलब सीड से निकलेगा जब, तो उसको ऊपर का जो पहला पत्ता होता है वो डालते हैं काट के, बिल्कुल मतलब जैसे बारीक काटेंगे ना, जैसे आप साग खाते हैं उसको काट, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट, वैसे काट के उसको दे देंगे तो वो उसको खाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि टेम्परेचर होता है, अब जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कई बार ऊपर भी जाता होगा, कई बार 18 से नीचे भी चला जाता होगा, उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? अभी पिछले एक महीने का टेम्परेचर देखे तो 35 से 40 डिग्री के बीच में रहा यहाँ धर्मशाला में और पालकपुर, तो उस टाइम में कैसे इस चीज़ को आप करते हैं या फिर उसका कोई प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? उसका प्रभाव कीड़ों पे पड़ता है। अच्छा, कैसे? ठीक है, वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो उसमें नमी आएगी, अच्छा उसमें क्या बोलते हैं पड़ जाती है, ठीक है कीड़ा मरना शुरू हो जाता है। उसके लिए चादर भिगो दो आप कमरे में, एक कमरे में पोचा जैसे लगाते हैं हम, वो ठंडक बनी रहे, नमी डालने नमी बनी रहे, वो ठंडक बनी रहे, ठंडी बन के बंद करेगी तभी वो काम चलेगा, अदरवाइज वो बचता नहीं वो कीड़ा जल जाता है, जल जाता है वो खत्म हो जाता है। तो आप जैसे भी मुझे जब मेरी आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आपने मुझे एक चीज़ बताई कि पिछले साल जब भागसू में बादल फटने की घटना हुई थी तब यहाँ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, उस वक्त क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो आप प्रॉब्लम बताइए? उस टाइम तो ऐसा था कि ये पूरा प्लांट खराब हो गया था। अच्छा ठीक है, तो जो हमने फिर अगस्त महीने में जो कीड़ा रखा वो सारा ही खत्म हो गया, क्योंकि पूरा पॉल्यूशन जो था, प्रदूषण का पानी सारा इसमें आ गया था प्लांट में, तो प्लांट जो प्रदूषित हो गए थे, पत्ता डाला वो खराब, कीड़ा खत्म हो गया, वो मतलब है इतना स्वच्छ होता है कि उसको सफाई चाहिए बिल्कुल, जरा से भी गंदगी और वो कीड़ा खत्म। अच्छा, जैसे आपने बताया कि यहाँ से जब ये सीड बन के जाती है किसानों के पास, जब वो कीड़ा बन के जाता है, तो मैं जानना चाहिए यहाँ पर चाहे मेंटेनेंस हो गया चाहे प्लांटेशन हो गया, उसमें कितने लोग एक टाइम पे यहाँ पे काम करते हैं? उस टाइम में यहाँ पे 8 से 10 लोग और मेंटेनेंस के टाइम पे भी 8 से 10 लोग काम करते हैं। अच्छा, जैसे ये फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये साल भर में आती है या जो आपने टाइम बताया? जब ये टाइम होता है उस टाइम, मार्च अप्रैल और अगस्त और सितंबर, ठीक है उस टाइम फ्रेम में ही आती है, उसके अलावा नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा यही आदमी है जो पूरा काम करेंगे। अच्छा, ये पूरा संभाल कर, इनका नाम करतार जी, जी इनसे भी हम आपसे वही बात करेंगे आराम से। अच्छा, ये जो अभी मैंने एक आपको जब मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो ये जो बिडिंग प्रोसेस है इसमें आप लोग हैंडल करते हैं या जो हेड ऑफिस है पालमपुर में वो लोग हैंडल करते हैं बिडिंग प्रोसेस को? मतलब जो बिडिंग प्रोसेस होती है, जैसे आपने रेशम बना दिया, ठीक है, अब उस रेशम को खरीदने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके बारे में थोड़ी सी? वो होता है हमारा डिवीजन करता है उसका। अच्छा, हमारे जो SSP है। अच्छा, वो संभाल कर रहे हैं, और जो हमारे जैसे बोलते हैं ना
जो ऑफिशियल हैं वो संभालते हैं उस चीज़ को, जो हाँ डायरेक्टर डायरेक्टर होते हैं सेरिकल्चर के, जो इस वक्त यहाँ पर डायरेक्टर है वो संभालते हैं, वो संभालते हैं। अच्छा, उनके थ्रू होता है ये सारा काम, वही करेंगे उसको। अच्छा, वही करेंगे हायर भी, मतलब जो ठेकेदार हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके। अच्छा, जैसे मीटिंग करेंगे। हाँ, फिर जिसका रेट सही होगा उसको वो देखा दे दिया जाएगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल और आपसे, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात बोली कि जो रेशम है एक वो बना हुआ है कि जो रेशम है या तो वो साउथ का है या फिर कलकत्ता का है या उस साइड का रेशम बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, ऐसा हिमाचल के रेशम में क्या है जो उसको साउथ के रेशम से अलग बनाता है, मुझे थोड़ा सा वो और। क्योंकि जो यहाँ का सीड जो है ना वो खुद तैयार किया जाता है। अच्छा, क्यों वो साउथ से नहीं आता, वो देहरादून से आएगा, देहरादून वाला वो यहाँ पे कम चलता है, पर अपना जो हम खुद तैयार करते हैं खुद बनाते हैं, उसका वेट भी ज़्यादा होता है और उसकी क्वांटिटी भी ठीक है। जैसे ये है ना आपका, ये मूंगफली की तरह है, ठीक है, इसका जो है ये NB42 है, इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, और ये SS6 है आपका। अच्छा, ये गोल होगा, ये गोल होगा। हाँ, जैसे अंडा होता है ना, अंडे की तरह होगा ये, और ये मूंगफली की तरह होगा, ठीक है, इसका वेट ज्यादा होता है और इसका वेट कम हो रहा है। जैसे आपका एक किलो में लगभग ये 700 के करीब चलेंगे। अच्छा, और ये लगभग 500 के करीब चलेंगे। तो ये इनमें से अगर जब रेशम बनता है तो रेट दोनों के सेम रहते हैं? रेट सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, पर इसका वेट ज्यादा होगा। ये जो NB42 है, और इसका SS6 इसका रेट, SS6 का इसका वेट कम होता है, कम होता है, ठीक है। और इनका रंग भी अलग होता है। अच्छा, इनका रंग भी अलग होता है, इनका क्या रंग होता है? ये जो SS6 है ये व्हाइट होगा। अच्छा, व्हाइट ही होगा ना, और ये जो है ये काला होगा। अच्छा, ये काला होगा। हाँ, काला होगा, पर इसका जैसे ये ऊपर होते हैं आइस के पास ना, हाँ, ये काले होंगे, और पीठ भी इसकी काली होती है, निशान जैसे मतलब शेर की पीठ पे। हाँ, वो वैसे ठीक है, मतलब ये जो ये वाले पूरे हैं ये खराब हो चुके हैं अभी के लिए। नहीं नहीं, ये जैसे ये वाला है ना, हाँ, ये खराब हो गया। ये अच्छा, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये अभी आगे, अब इसका ऐसा है रेट इसका इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं होगी, ग्रोथ ठीक नहीं है, इसलिए आपने इसको रखा। इसकी ग्रोथ इसमें से लगभग 400 के पास निकलेगा, और जो सही होगा वो 500-700 मीटर निकालता है ज्यादा। हाँ, वो वाला जल गया है, वो जल नहीं गया, दरअसल इसमें से जो है काट दिया गया ना, कौन था। अच्छा, ये काट दिया है, ये कट गया ना, अगर ये कट जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे धागा नहीं चलेगा। अच्छा, जब आप इसको मतलब गर्म करेंगे फिर इसको चलाएंगे तो यहाँ से टूट जाएगा। अच्छा, जैसे ये एक राउंड चलेगा, खुल गया तो उसकी फिर वो कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ठीक है। वो सीड बनाने में कितना टाइम लगता है? सीड बनाने में हमें लगते हैं 20 से 22 दिन। मतलब 20 से 25 दिन की लपेट में मान के चले। हाँ, मतलब सीड बनाने में 20 से 25 दिन लगे जी। उसके बाद यहाँ प्लांटेशन होगा उसका। हाँ, प्लांटेशन यहाँ पे कितने टाइम तक रहता है उसका? उसका रहता हमारे पास 12 दिन। तो 25 और 12 दिन, फिर यहाँ से वो किसानों के पास जाता है, वो कितने दिन अपने पास उसको रखते हैं? वो रखते हैं मतलब आपका अगस्त महीने में 18 दिन रहेगा, और जो आपका ये मार्च महीने का तो उसमें टाइम रहता है वो 20 से 25 दिन, वो 20 से 25 मिनिमम आप एक महीना रखते हैं। हाँ, मिनिमम। तो मतलब ये जो पूरा रेशम बनने का प्रोसेस है, सीड बनाने से लेके और रेशम तक पहुँचने में, तो इसको हम लगभग ये मान लें कि 2 महीने का प्रोसेस पूरा लगता है। हाँ, और उसके बाद इसका जो आगे की प्रोसेस है, कपड़े बनने की, जो भी चीज़ें। तो देखो, ये सारी चीज़ें हमें अनूप जी ने बताई कि पूरा जो प्रोसेस है सीड से लेके प्लांटेशन तक, प्लांटेशन से लेके उसका रेशम के कीड़े बनने तक, और उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित है, ये सारी चीजें हमें अनूप जी ने बताई। अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए, और यही इसकी जानकारी।